बीबीसी ने फिलहाल एक नया काम शुरू किया है, ब्रांड बिल्डिंग का काम। अगर आप हाल की बीबीसी की रिपोर्टिंग का पैटर्न देखेंगे या उनके वीडियोज की थंबनेल को खंगालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब भी वो राहुल की रिपोर्टिंग करते हैं तो उनके वीडियोज के थंबनेल काफी पॉजिटिव होते हैं, और दूसरी तरफ जब वो मोदी की रिपोर्टिंग करते हैं तो उनके वीडियोज की थंबनेल काफी नकारात्मक होती है। इतना फर्क क्यों है? इस तरीके से वो जहां एक तरफ राहुल की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ वो मोदी की ब्रांड को घटाने में लगे हुए हैं। तो अब ये सवाल आता है कि आखिर बीबीसी ऐसा क्यों कर रहा है? अब ब्रिटेन में अभी भी एक सोच है कि जहां पर इन लोगों ने शासन किया है कभी न कभी, उन देशों की जो सरकारें हों वो कम से कम ब्रिटेन के अनुकूल हों और ब्रिटेन की बातें सुनने वाली हों। यदि कोई मजबूत नेता या प्रधानमंत्री उस देश का नेतृत्व करता है तो इनको काफी परेशानी होने लगती है और ये उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसके खिलाफ एक माया जाल रचते हैं ये, जैसा कि इन्होंने इराक में अच्छी तरीके से किया। आजकल एक डॉक्यूमेंट्री जो गुजरात दंगों पे बनाई गई है बीबीसी के द्वारा, वो काफी चर्चा में है, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई है तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन दंगों को रोकने के बजाय उन रंगों को बढ़ाने का काम किया। इस प्रकार से उस डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया है, तथ्यों को इस प्रकार से रखा गया है जिससे दर्शक को ये प्रतीत हो कि शायद कहीं न कहीं मोदी उन दंगों के लिए दोषी हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही देख रेख में एक SIT गठित की थी गुजरात के दंगों की जांच के लिए, और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि मोदी का इन दंगों में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं था। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री है एक तरीके से हमारे न्याय व्यवस्था पे प्रश्न उठाती है, हमारी जांच एजेंसियों पे प्रश्न उठाती है। इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ लोगों ने महत्वपूर्ण इनपुट दिए हैं, उसमें दो प्रमुख लोग हैं, पहले हैं जैक स्ट्रा और दूसरी हैं अरुंधति राय। तो अरुंधति राय के बारे में तो आप सब जानते हैं, इसलिए हम बात करते हैं जैक स्ट्रा की। अब ये जैक स्ट्रा वही हैं जिन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई या डोजियर बनवाया जिसके आधार पे ये साबित करने की कोशिश की गई कि इराक के पास बहुत खतरनाक हथियार हैं और इस आधार पे इन्होंने इराक पर आक्रमण कर दिया। एक ऐसी वार इराक पे थोपी गई जिसका कोई औचित्य नहीं था, और एक फेक रिपोर्ट को मीडिया के द्वारा प्रचारित करते हैं ये लोग, पूरी दुनिया में एक माहौल बना देते हैं कि इराक के पास बहुत सारे खतरनाक हथियार हैं और उनका प्रयोग करके वो दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उस पे आक्रमण करना जरूरी है, और ये लोग इराक पे आक्रमण भी कर देते हैं। उस आक्रमण के दौरान ब्रिटेन के लोगों ने वहां पे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, अपहरण जैसे इन्होंने कृत्य किए, लोगों से फिरौती की रकम वसूली गई है। Our chief correspondent Alex Thompson has been talking to Jack Straw, who was then foreign secretary, about the conflict and state-sponsored kidnapping and torture. One such victim, Abdul Hakim Belhaj, says he was kidnapped and tortured under British control and now wants an apology from this man, the former foreign secretary Jack Straw. Many in Britain want an apology too for his part in taking Britain into a war for reasons which did not exist. This morning, I spoke to him about WMD, the dodgy dossier, torture and kidnapping. इराक आज तक उस युद्ध से उबर नहीं पाया है, आज भी इराक उस युद्ध का दंश झेल रहा है। कितने सिविलियंस मारे गए, कितने निरअपराध लोगों की हत्याएं हुई हैं, और आज बीबीसी प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहा है, एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल की रिपोर्टिंग अगर आप बीबीसी के द्वारा देखेंगे तो आप पाएंगे पूरी तरीके से वो राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि राहुल की एक अच्छी छवि बने, एक स्ट्रांग नेता की छवि बने और किसी तरीके से उनकी सत्ता में वापसी हो या कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो। तो इसके पीछे बीबीसी का क्या उद्देश्य हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि बीबीसी को सूट करता है कि भारत में एक कमजोर सरकार हो, एक कमजोर नेता रहे जो उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनकी बातों को माने। प्रधानमंत्री मोदी के रहते ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए उनकी छवि को धूमिल करने का ये प्रयास है। और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की छवि नहीं, हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका और हमारे हर स्तंभ को संदेह के घेरे में लाने की कोशिश की है, और ऐसा प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि भारत के मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए, जबकि भारत में सभी मुसलमानों को हिंदुओं के बराबर ही अधिकार प्राप्त। इस तरीके की नकारात्मक रिपोर्टिंग से बीबीसी क्या हासिल करना चाह रहा है? हमारे देश में गोदी मीडिया बहुत पॉपुलर टर्म हो चुका है, लेकिन अगर आप बीबीसी की रिपोर्टिंग राहुल गांधी के बारे में देखेंगे तो आपको लगेगा ये भी गोदी मीडिया से प्रभावित हो चुके हैं। राहुल गांधी ने अरब सागर में छलांग लगाई और आराम से दूर तक तैरते गए। केरल में नाव पर सवार सभी मछुआरे उन्हें ऐसा करते देख हैरान रह गए। तमिलनाडु में राहुल गांधी से आधी से भी कम उम्र की एक लड़की ने उन्हें फिटनेस चैलेंज दिया तो राहुल ने बड़ी सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने किसी नौजवान की तरह दिखाया कि वो मार्शल आर्ट जानते हैं। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की ये गतिविधियां छाई रही। आपल्याले राहुल भाऊंना आपल्याले भेट दिल्यानंतर आपलं त्यांना दालिंद्र दूर केलं तर आपल्याले जरासा आता मत्स्य ग्रस्त विदर्भ के यवतमाल जिले के जालका गांव में रहने वाली कलावती बांदुरकर किसान परिवार से आती हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतीहर मजदूर के तौर पर गुजारी है।
कलावती के पति परशुराम ने करीब 1.5 दशक पहले कर्ज चुकाने के दबाव में आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त राहुल गांधी ने कलावती से मुलाकात की थी। सुर्खियों में आने के बाद कलावती को देश भर से, अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में चल रही है और कलावती राहुल से मिलना चाहती हैं। परंतु ये भूल जाती है बीबीसी कि उस कलावती के पति ने 2005 में क्यों आत्महत्या की। किसान बचाओ यात्रा कितनी की राहुल गांधी ने, क्या कलावती के जीवन में सुधार लाने से अन्य किसानों के भी जीवन सुधर जाए। आगे बीबीसी कहता है कि क्या जिन लोगों के पैर मोदी ने धोए थे उनकी जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं, उनकी जिंदगी वैसे की वैसी ही। तो क्या हमारी जिंदगी बदल गई, हमको तो वैसे लग रहा है। जब कुछ हमें आसरा नहीं तो वैसे तो हमें लगबे करी। जब हम जाते हैं तब हम सफाई करते हैं, मेला मेला में बस मान सम्मान मिला हो गया, हमको शर्मिंदगी महसूस होती है। हमको लगता है हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि बताओ इतना बड़ा प्रधानमंत्री हो के हमारा पैर धो रहा है। हमें तो लग रहा था कि हम ही उन्हीं करते हैं। क्या व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का कार्य मोदी का है? अगर उनका यही एजेंडा होता तो उनका परिवार आज सामान्य मानव का जीवन व्यतीत ना कर रहा होता, वो भी कांग्रेस के परिवारों जैसा एंजॉय कर रहा हो। तो मोदी में और राहुल गांधी में बहुत फर्क है। परंतु बीबीसी का अपना एजेंडा है और वो अपने एजेंडे पे चलती है। वो दिखाती है कि तमिलनाडु में एक बच्ची आत्महत्या कर लेती है जो नीट क्लियर नहीं कर पाती है, उसका भी कारण मोदी है। इतने सालों में वहां पे रिएक्टर नहीं हो पाया तो क्या इसमें मोदी का दोष है? पिछले 7-8 सालों से मोदी की गवर्नमेंट है, उससे पहले किन की गवर्नमेंट रही? तमिलनाडु में तो कभी भाजपा की गवर्नमेंट रही नहीं। वो कंक्लूजन पहुंच जाते हैं कि यहाँ के जानकारों का कहना है कि ये संदेश जा रहा है नीट से कि मोदी तमिलनाडु विरोधी। जानकार बताते हैं कि अनीता की आत्महत्या से आम लोगों में संदेश गया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तमिलनाडु विरोधी है और उसे आम जनता और राज्य के हितों की कोई परवाह नहीं है। मोदी विरोधी पूछते हैं कि उन्होंने दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों से मुलाकात क्यों नहीं की। उनका आरोप है कि नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पर उत्तर भारतीयता थोपना चाहते हैं। मोदी तमिलनाडु विरोधी कैसे हो जाते हैं भाई, किस प्रकार की पत्रकारिता है? और ये जब बीबीसी की तरफ से आता है तो और संदेह होता है। बीबीसी अपने आप को प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान मानता है, इस प्रकार से वो छवि बिगाड़ने या बनाने का काम करने लगे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बीबीसी क्या अब ब्रांड बिल्डिंग कंपनी बन गई है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जानते हैं कि विदेशी मीडिया में राहुल की यात्रा को कैसे देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक जोया हसन ने DW से कहा, कांग्रेस इस समय जिस संकट का सामना कर रही है उसकी वजह पार्टी की ओर से हिंदू राष्ट्रवाद का प्रभावशाली ढंग से सामना करने में विफल रहना है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता समीर यासिर ने भारत जोड़ो यात्रा में चलकर आम लोगों में इसके असर को भांपने की कोशिश की है। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र का भविष्य अधर में रखा हुआ है। भारत के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी ने भारतीय धर्मनिरपेक्ष नींव को एक नया स्वरूप दिया है जो हिंदू समाज को तरजीह और मुस्लिमों समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को हाशिए पर धकेलता है। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार डॉन ने अपने एक लेख में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और खड़गे की अपेक्षित सफलताओं को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की है। अखबार लिखता है, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी पार्टी और देश की खराब सेहत सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन सांप्रदायिक रूप से बटे हुए कर्नाटक में हिजाब पहने स्कूली बच्ची का हाथ थामे हुए राहुल गांधी की मुस्कुराती तस्वीर ही नेहरू और गांधीवादी भारत का विचार था।